तेरा दिमाग खराब हो गया? 2,500 रुपए की साड़ी देगा तो ठीक है, जैसा करना है ना वैसा कर लो। अब मुझे है ना तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ हाँ भाभी जरूर आएंगे, और क्यों नहीं आएंगे, आखिर आपकी 10th एनिवर्सरी है, हम पक्का आएंगे। हाँ हाँ भाभी जरूर। अच्छा ठीक है, मिल के बात करते हैं आपसे। ओके बाय भाभी। ओके। तेरा दिमाग खराब हो गया? 2,500 रुपए की साड़ी देगा? कोई जरूरत नहीं है साड़ी वाड़ी लेने की। अब मुझे है ना तुझसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तो ठीक है, जैसा करना है ना वैसा कर लो। अरे प्रिया तुम? शाम को याद है ना चलना है? हाँ याद है, पर ऑफिस में एक मीटिंग है, कोशिश करूंगा जल्दी आने की। प्रिया आज तो मेरे पैरों में बहुत ही दर्द हो रहा है, सोच रही हूँ किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा ही लूँ, अब कहीं ऐसा ना हो मैं चलने फिरने से बिल्कुल ही लाचार हो जाऊँ। प्रिया प्रिया। हाँ जी मम्मी। ध्यान कहाँ है तुम्हारा, क्या बात है, क्या सोच रही है? कुछ नहीं मम्मी जी। हे भगवान, कैसी कैसी सोच हो जाती है लोगों की। मम्मी जी से भाभी के लिए एक साड़ी नहीं दी जा रही, और मेरी भाभी हर बार जब भी मैं मायके जाऊँ हर बार मम्मी जी के लिए कुछ ना कुछ भेजती रहती हैं। वो इनके लिए इतना सोचती हैं। खैर छोड़ो, सास सास ही रहती है, बहू के मायके से चाहे कितना भी आ जाए, पर ससुराल वालों से उनके स्पेशल डे पे भी एक साड़ी देने में जोर पड़ता है। अरे मम्मी जी आप तैयार नहीं हुए, चलना है, लेट हो रहे हैं ना। अरे नहीं बेटा, मेरा मन तो बहुत था पर क्या करूं, पैरों में है ना दर्द बहुत हो रहा है, जरा सा भी आराम होता ना तो मैं ज़रूर चलती। मेरी छोड़ो, तुम जाओ। अच्छा ये बता क्या लिया है अपनी भाभी के लिए तूने? मम्मी जी मैं क्या लेकर आती, आपने या इन्होंने कुछ कहा ही नहीं लाने के लिए, तो मैं आप दोनों से बिना पूछे कैसे ले आती। अरे बेटा वो तेरी भाभी है, जो तुझे उसके लिए लेना था तो वो ले लेती तू, इसमें पूछने वाली कौन सी बात थी। खैर छोड़, ऐसा करना ये दे देना अपनी भाभी को, कह देना ये मम्मी जी ने दिया है। मम्मी जी ये तो गोल्ड की है, ये तो बहुत महंगी होगी। अरे बेटा महंगी है तो क्या हुआ, वो तेरे लिए मेरे लिए इतना कुछ करती है, जब भी तू जाएगी अपने मायके वो तेरे लिए इतना सारा सामान देती है और साथ में मेरे लिए। बेटा जैसे तू मेरी बेटी जैसी है ना, वो भी मेरी बेटी जैसी ही है। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दो। माफ़ी? माफ़ी किस बात की? मम्मी जी जब आप और ये दोपहर में बातें कर रहे थे ना, तो मैंने आप दोनों की बातें सुन ली थी, जब आप इनसे साड़ी लाने के भी मना कर रहे थे तो मैंने आपके बारे में और इनके बारे में पता नहीं क्या क्या दिमाग में बहम पा लिया। अरे बेटा वो तो मैं इसलिए इससे कह रही थी कि साड़ी भी कोई देने की चीज़ है, अरे देना है तो कोई ढंग का गिफ्ट दे, वैसे भी हमारा कौन सा बार बार गिफ्ट देने का नेक बनता है, कभी कभार तो नेक बनता है, कम से कम ढंग का तो दे दो। यही तो मम्मी जी मैं गलत समझ बैठी आप दोनों को। अच्छा तभी तेरा सुबह से मूड ऑफ हो रहा था, मैं भी कहूँ पता नहीं क्या बात हो गई है, बड़ी चुपचाप सी हो रही है सुबह से। अच्छा तभी तेरा सारा दिन मूड खराब था, जब मैं ऑफिस जा रहा था तो तेरे चेहरे पे 12 बजे हुए थे। अच्छा अब ज़्यादा खिंचाई मत कर मेरी बेटी की, जाओ तुम दोनों आराम से जाना और खूब इंजॉय करना, अगर मेरे पैरों में दर्द नहीं होता ना तो मैं भी चलती, पर चलो कोई नहीं मैं फिर कभी चली जाऊँगी, तुम लोग जाओ। चलें श्रीमती जी। अच्छा मम्मी जी चलते हैं।